प्रिय मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग जिस प्यार स्नेह के साथ मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य ग्रह कुंडली के प्रत्येक भावों में आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है, इसके बारे में सुनिए, देखिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। जिसके कुंडली में लग्न में सूर्य बैठा हुआ हो, ये तेजस्वी होते हैं, विद्वान होते हैं, शिक्षित होते हैं, अपने जीवन में सफल होते हैं। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोग चैत्रवान होते हैं, व्यक्ति को पहचानने की क्षमता होती है और पूर्ण कार्य में कुछ अपने पूर्ण कार्य में कुशल रहते हैं। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, ऐसे लोग स्थिर बुद्धि के होते हैं, ऐसे लोग कभी कोई गलत जीवन में कार्य नहीं करते। जिसके कुंडली में चौथे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोग स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं, रंग से राजा बनते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं, इनके पास जो कुछ भी रहता है वो स्वयं का बनाया हुआ रहता है। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोग किसी प्रकार के भी शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं, जैसे IAS, न्यायाधीश, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे लोग शिक्षा के द्वारा अपने इस सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, कभी इनका चरित्र खराब नहीं होता, कभी जेल नहीं जाते हैं और शत्रु को भी अपना मित्र बना लेते हैं। जिसके कुंडली में सातवें भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, इनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता। जिसके कुंडली में आठवें भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, ऐसे लोग की बुद्धि चलायवान होती है, स्थिर नहीं होते हैं, ऐसे लोग व्यक्ति को पहचानने में विलंब करते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, ऐसे लोग उच्च श्रेणी के कर्मचारी बनते हैं, ऐसे लोग उद्योगपति बनते हैं, व्यापारी बनते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं, संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं तथा स्वयं का व्यापार करते हैं। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, ऐसे लोग अकस्मातिक पद पाते हैं, अक्षमातिक धन पाते हैं, अक्षमातिक उन्नति करते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, ये उदार होते हैं, दानी होते हैं, दयालु होते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे फोन पर संपर्क करिए। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम को जान जाइए, मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर दूंगा। इतना कहते हुए प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।